बुरहानपुर जिले के सिलमपुरा क्षेत्र में 350 साल पुराना पंचमुखी हनुमान मंदिर बुरहानपुर जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी के 5 मुख है और यहां की मान्यता है कि जो भी भक्त हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 11 शनिवार पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर पर मनोकामना पूरी होने पर चोला चढ़ाया जाता है। इस मंदिर पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन भी होता है। इस मंदिर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के भक्त भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर शादी ब्याह, बच्चे, नौकरी, व्यापार के लिए मन्नतें मांगी जाती है। इस मंदिर में 5 मुख वाली हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। हनुमान जी के 5 मुख यह जिले की पहली प्रतिमा है। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिर पर भंडारे का भव्य आयोजन होता है। इस भंडारे में केरी का अचार बनाया जाता है जो लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगता है, इसलिए लोग यहाँ पर भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण करने पहुँचते हैं। समिति के कैलाश पाटीदार ने जानकारी देते हुए कहा कि यह पंचमुखी हनुमान मंदिर करीब 350 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के 5 मुख है। इस मंदिर पर जो भी भक्त शादी, बच्चे, नौकरी, व्यापार के लिए मन्नत मांगता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होने पर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। ये यहाँ पर कितना पुराना यह मंदिर है? ये मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है। 300-350 साल पुराना मंदिर है और चोला चढ़ाने से अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ हर साल मतलब हनुमान जयंती पे विशाल भंडारा होता है। कौन सा मंदिर है, क्या नाम है? ये पंचमुखी हनुमान मंदिर। और क्या खासियत है हनुमान जी की, क्या है इनका? क्या 5 मुख है? हाँ, इनके 5 मुख है। और क्या जिले का पहला मंदिर? पहला मंदिर। और क्या क्या जैसे मनोकामना पूरी होती है तो लोग क्या चढ़ाते हैं? चोला चढ़ाओ। कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? सब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, सब दूर से आते हैं। क्या नाम आपका? कैलाश पाटिल। कब से आ रहे हो आप दर्शन? वर्षों से, बचपन यही गुजरा है हमारा। क्या मंदिर का नाम है, कौन सा हनुमान जी है? जो मांगो, दिल श्रद्धा से मांगो तो सब कुछ मिलता है। कौन सा मंदिर है? पंचम के हनुमान। 5 मुख वाला पहले हनुमान जी, मतलब जिले के ये पहला मंदिर है? पहला मंदिर है। शुरू से बहुत दूर दूर से भक्त भी आते दर्शन करने? बहुत दूर दूर से आते। क्या नाम आपका? खेमचंद प्रजापति।